जनता के दरबार में मुख्यमंत्री और इस तरह का कार्यक्रम नीचे स्तर तक, और उसके बाद मेरे दिमाग में लगा कि अब जनता को ये अधिकार देना चाहिए। इस देश में पहला राज्य है बिहार जहां लोक शिकायत निवारण का अधिकार प्राप्त हुआ है कानून के जरिए, और इस बात का प्रचार करिए जो जा रहे हैं उनके शिकायतों का निवारण हो रहा, और सब लोगों लेकिन लोगों को अभी ठीक से नीचे मालूम नहीं हुआ। हमने कहा इसके लिए कंप्लेन चलाइए और जानकारी भी दीजिए। देखा तो प्रशासनिक सुधार का ये क्रम बहुत ही संक्षिप्त, क्या हाल था पहले, लेकिन साफ होने के पहले लोग घर में घुस जाते थे कि नहीं जी, और आपने पर्यावरण पर भी चिंता, अब जो बहुत सारे लोग होंगे उनको तो इन सब चीजों की जानकारी भी नहीं होगी। 12 साल पहले की कहानी है, 13 साल पहले की कहानी है। चाहूंगा कानून का राज कायम किया, पर्यावरण पर चिंता की, और इतने दिनों में पर्यावरण के बारे में हमने इसके साथ कोई समझौता नहीं किया, बहुत जरूरी, हमने न भ्रष्टाचार के साथ समझौता किया, एनवायरमेंट के साथ न कानून का राज कायम करने में किसी प्रकार का समझौता, समाज में प्रेम रहे, सद्भाव रहे, कितना जगह लोग झगड़ा करने की तैयारी करते रहते, पृथ्वी को विनष्ट करने कोई का स्वभाव है। कोई धर्म मजहब को मानने वाला हो, कुछ ना कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो उतावले रहते हैं, उद्विग्न रहते हैं, मन से ऐसा रहते हैं कि बात बात पर झगड़ने को तैयार रहते हैं, वैसे लोग तो हैं, लेकिन नजर रखनी पड़ती है, और हमने 12 साल से नजर रखी है कि किसी प्रकार से अगर कहीं कोई झगड़ा हो रहा है उसको सांप्रदायिक दंगे में तक तब्दील नहीं होने दिया। इतनी कोशिश हम लोग करते रहते हैं, वातावरण कायम रखते हैं, और यह काम हम करते रहेंगे। इन सब चीजों पर हम कोई समझौता नहीं करते हैं। अगर कोई गलती करेगा देखिए क्या क्या होता, कैसी कैसी बातें प्रचारित होती है, आश्चर्य होता है इस समाज में क्या क्या बातें प्रचारित होती है। अभी दरभंगा जिला में एक घटना हुई, जमीन के झगड़े के कारण मर्डर हो गया, अब उसी में से किसी ने शुरू कर दिया कि मोदी जी के नाम से चौक बनाया है इसलिए उसको मार दिया, उसे को बोर्ड लगाए हुए, और ये तो जमीन के झगड़े में मर्डर हुआ। अब बताइए उसके बाद सुशील मोदी जी ने ट्वीट किया, हमको जानकारी उन्होंने भी दी, पुलिस के लोगों ने पूरी जानकारी दी, लेकिन फिर भी क्या बातें आती है प्रकाश में। मैं तो बिना इस तरह से प्रमुखता से नहीं छापना चाहिए, क्या पब्लिसिटी। मेरे सहयोगी साथी सुशील मोदी जी भी परेशान, उन्होंने कहा हमने भी सबसे बातचीत की है, यह बात बिल्कुल गलत है, लेकिन साहब अगले दिन हम देख रहे हैं, आमतौर पर सुशील मोदी जी का वक्तव्य दो कॉलम तीन कॉलम में छपता, लेकिन पहली बार हम देखे बेचारे का ट्वीट दो लाइन में अंदर घुसा हुआ है, और ऊपर तीन तीन चार चार कॉलम में क्या खबर छपी हुई, एक झूठी खबर। अब बताइए साहब दायित्व किसका है, सिर्फ हम लोगों का दायित्व नहीं है, सबका दायित्व बनता है, और इसके बाद अगर कोई जाकर वक्तव्य देता